हेलो दोस्त, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी अनबॉक्सिंग, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं वी गार्ड का गैस गीजर जो मैंने लिया है अभी, इसे हम करते हैं अनबॉक्स। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ यहाँ पे सामान मिला है। देखते हैं नेक्स्ट। इसके साथ हमें यूज़र मैनुअल मिला है और वारंटी कार्ड भी इसमें शामिल है। यहाँ पर हमें मिलती है 2 साल की वारंटी। यहाँ पर हमें और एक कागज़ मिला है, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेटिंग किस तरह से करनी चाहिए यहाँ पर सब लिखा है, तो देखते हैं आगे। इसके साथ हमें 2 होस पाइप की क्लिप मिले हैं और 2 फास्टनर मिले हैं और होस पाइप लगाने के लिए निप्पल भी मिला है और स्क्रू। होल को थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम इस तरह से ताकि स्क्रू इसमें अच्छे से घुस सके और प्लास्टिक गिट्टी भी इसे इसमें अच्छे से घुस सके। ठीक है, तो ये रेगुलेटर मेरे पास पहले से था और इस पर हम अभी क्लिप लगा लेंगे। तो अभी हम होस पाइप का क्लिप लगा लेंगे यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से हमें टेफ्लॉन टेप लगाना है 15 से 20 राउंड हर एक इनलेट वाटर हॉट वाटर के और गैस गीजर के पॉइंट को। देखिए, मैं इस साइड से अभी होल करूँगा गैस पाइप के लिए और इस साइड में मेरा रहेगा सिलेंडर। इसके बाद हमें इनलेट वाटर कनेक्शन पाइप को कस देंगे अच्छे से।
इसके बाद हॉट वाटर के कनेक्शन पाइप को भी हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की है प्लम्बर ने। ये जो कोल्ड वाटर का पॉइंट है जो राइट साइड में होना था वो लेफ्ट साइड में है, और जो हॉट वाटर का लेफ्ट साइड में पॉइंट होना था वो राइट साइड में कर दिया है। शायद प्लम्बर थोड़ा जल्दी में था इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा के। अगर कहीं से लीकेज हो रहा हो तो उसको भी हम टाइट कर लेंगे कनेक्शन पाइप को। यहाँ पर हम दो ड्राई सेल ले लेंगे जो कि हमें यहाँ पर लगाना है 1.5 वोल्ट के दो, जो कि मैंने पहले से लगा के रखे हैं, डाल दिए थे। तो चलो दोस्तों इसे करते हैं अब हम ऑन। अब ये ऑन हो गया है और गर्म पानी भी धीरे धीरे आ रहा है, शुरू हो गया है। और गर्म पानी आ रहा है अभी यहाँ पर। इस तरह से हमारा यह इंस्टॉलेशन गैस गीजर का भी अटका हो चुका है, क्योंकि यहाँ भी घर बैठे कर सकते हैं।